हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है डीएस एकेडमी में। आज 7 मार्च 2020 का करंट अफेयर्स लेकर उपस्थित हुआ हूं। आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देखें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं आपका अपना चैनल डीएस एकेडमी। तो चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य को खोला चिली को GI टैग प्रदान किया गया है। आपको बताना है किस राज्य के खोला चिली को GI टैग प्रदान किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। तो खोला चिली के बारे में बात करें अगर, तो खोला चिली जो है गोवा में उगाई जाने वाली एक मिर्च है और अभी ये इसे GI टैग प्रदान किया गया है। GI टैग उस वस्तु अथवा उत्पाद को दिया जाता है जो विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है, किसी विशिष्ट स्थान पर ही पाई जाती है। तो GI के बारे में अगर बात करें हम, तो जियोग्राफिकल इंडक्शन होता है और इसका हिंदी होता है भौगोलिक संकेत। तो गोवा के बारे में अगर बात कर लें, तो गोवा की राजधानी जो पणजी है और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं जो बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो गोवा के गवर्नर जो हैं सत्यपाल मलिक और गोवा के उच्च न्यायालय का नाम मुंबई उच्च न्यायालय है और गोवा के मुख्य न्यायाधीश जो हैं प्रदीप नंदराजोग हैं। गोवा के दो पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक और गोवा की लोकसभा में सीटें दो सीटें हैं और राज्यसभा में एक सीटें हैं और विधानसभा में 40 सीटें हैं और गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है। तो आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो 19 दिसंबर को हर साल गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है और हर साल 30 मई को गोवा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर दो। हाल ही में भारत की तीसरी महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी है। आपको बताना है कि हाल ही में भारत की तीसरी महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी है। तो इनका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, माधुरी कांतिकर को बनाया गया तीसरी महिला लेफ्टिनेंट जनरल, जो ये इंडियन आर्मी से हैं। माधुरी कांतिकर भारत थल सेना से, मतलब इंडियन आर्मी से हैं। इंडियन आर्मी के बारे में अगर बात करें हम, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 में और मुख्यालय नई दिल्ली में है। नए थल सेना अध्यक्ष जो हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवड़े हैं और चीफ ऑफ डिफेंस जो हैं CDS बिपिन रावत हैं। नए उपसेना प्रमुख जो हैं SK सैनी हैं और वायुसेना एयरफोर्स के वायुसेना के अध्यक्ष जो हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया हैं। और नौसेना के अध्यक्ष के बारे में बात करें तो एडमिरल करमबीर सिंह हैं और भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष जो हैं कृष्ण स्वामी नटराजन हैं। और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के अध्यक्ष की बात करें तो अनूप कुमार सिंह हैं। और भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक की अगर बात की जाए तो अरुण कुमार जो हैं महानिदेशक हैं भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा के। और सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक हैं VK जौहरी। और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जो हैं CISF के अध्यक्ष हैं राजेश रंजन। और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के अध्यक्ष जो हैं आनंद प्रकाश महेश्वरी है। और सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक हैं कुमार राजेश चंद्र। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर तीन। गूगल भारत में कहाँ अपना गूगल क्लाउड क्षेत्र स्थापित करेगा। तो आपको चयन करना है और कमेंट के माध्यम से बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो गूगल भारत में कहाँ अपना गूगल क्लाउड क्षेत्र स्थापित करेगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। तो अगर बात करें हम गूगल क्लाउड क्षेत्र सेवाएं, तो अब दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में उपलब्ध हैं। इन क्षेत्रों में डाटा संग्रहित किया जाता है और यह डाटा स्टोरेज क्षेत्र कई कंपनियाँ अपना डाटा स्टोर करने में और सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। और गूगल के बारे में देखते हैं, तो गूगल की स्थापना जो हुई थी सितंबर 1998 में हुई थी और मुख्यालय जो है कैलिफोर्निया USA में है और संस्थापक जो है सर्गेई ब्रिन लैरी पेज हैं और CEO जो हैं इनके सुंदर पिचाई हैं गूगल के। और नई दिल्ली के बारे में अगर बात करें, तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं तीसरी बार जो बने हैं CM। और दिल्ली की पहली महिला शासिका जो थी रजिया सुल्तान थी। और दिल्ली के दो पड़ोसी राज्य हैं हरियाणा और उत्तर प्रदेश। और दिल्ली की लोकसभा में सीटें 7 है और राज्यसभा में सीटें 3 हैं और विधानसभा में 70 सीटें हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। कौन सा देश बिम्स्टेक विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार क्षेत्र का नेतृत्व करेगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका।
तो बिमस्टेक के बारे में बात करें अगर तो बे तो इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, और जो इसकी स्थापना हुई थी वो 6 जून 1997 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है ढाका बांग्लादेश में है। तो श्रीलंका की के बारे में बात कर लें तो श्रीलंका एक देश है जो एशिया महाद्वीप में स्थित है और राजधानी जो है कोलंबो से जयवर्धने पूरे कोटे है और करेंसी जो है रुपया है और राष्ट्रपति जो है गोतबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री जो है महिंद्रा राजपक्षे। और इंडिया और श्रीलंका को पाक स्टेट अलग करती है तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। हाल ही में जारी महिलाओं की ICC T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आपको बताना है कि हाल ही में जो जारी हुआ है महिला ICC T20 इंटरनेशनल रैंकिंग उसमें कौन शीर्ष पर है, तो इसका सही जवाब होगा शेफाली वर्मा। तो भारत की बल्लेबाजी में शेफाली वर्मा पहले स्थान पर रहीं और ऑस्ट्रेलिया की सूजी वेट्स दूसरे स्थान पर रहीं और ऑस्ट्रेलिया की वेथ मुनी तीसरे स्थान पर रहीं। और ICC के बारे में अगर बात करें हम तो विश्व में क्रिकेट मैच ICC रेगुलेट करता है और ICC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, और इसकी स्थापना जो हुई थी 15 जून 1909 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है और CEO हैं मनु साहनी और अध्यक्ष जो हैं शशांक मनोहर। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। सुभाष चंद्र गर्ग को किस राज्य के मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है? आपको बताना है कि सुभाष चंद्र गर्ग को किस राज्य के मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। तो पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगमोहन रेड्डी के सलाहकार बन गए हैं। और आंध्र प्रदेश के बारे में अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है हैदराबाद और प्रस्तावित अमरावती है। अब मुख्यमंत्री जो है YS जगमोहन रेड्डी YSR कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं और गवर्नर जो हैं विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं जितेंद्र कुमार महेश्वरी हैं और आंध्र प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। और आंध्र प्रदेश की लोकसभा में 25 सीटें हैं और राज्यसभा में 11 सीटें हैं और विधानसभा में 175 सीटें हैं। और आंध्र प्रदेश की श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर हैं। कोलेरू झील, पुलकित झील आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। और नागा अर्जुन सागर बाद कृष्णा नदी पर स्थित है, यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। और नागा अर्जुन सागर टाइगर रिजर्व यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। तो 7 नंबर का क्वेश्चन है, बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इजराइल। इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री बने हैं। तो इजराइल के बारे में बात करें तो इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी जो है जेरूसलम है और करेंसी जो है इसकी इजराइली नई शकेल है और राष्ट्रपति जो है रूवेन रेवलिन है यहाँ के इजराइल के। तो अगला बात करते हैं, प्रश्न नंबर 8। हाल ही में BCCI चयन समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा सुनील जोशी को। तो BCCI चयन समिति का नया अध्यक्ष सुनील जोशी को बनाया गया है। क्रिकेट सलाहकार समिति CAC ने पूर्व भारतीय स्पिनर सुनील जोशी को राष्ट्रीय चयन समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया। और BCCI के बारे में अगर बात करें हम तो भारत में क्रिकेट मैच जो होता है BCCI रेगुलेट करता है और बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया जो होता है इसका BCCI का फुल फॉर्म होता है और भारतीय क्रिकेट नियंत्रक बोर्ड, और इसकी स्थापना हुई थी 1928 में हुई थी और मुख्यालय इसका मुंबई में है और BCCI के अध्यक्ष जो हैं सौरभ गांगुली हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। 61वें वार्षिक ललित कला अकादमी पुरस्कार किसने प्रदान किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी रामनाथ कोविंद ने प्रदान किए हैं। 61वें वार्षिक ललित कला अकादमी पुरस्कार रामनाथ कोविंद ने प्रदान किए हैं।
तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले कलाकारों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। और रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने ही प्रदान किया है ललित कला अकादमी पुरस्कार। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10, किस राज्य सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो आपको बताना है कि किस राज्य सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड ने। तो उत्तराखंड के बारे में देख लें तो उत्तराखंड की राजधानी जो है देहरादून है, और मुख्यमंत्री जो यहाँ के हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत है, जो बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, और गवर्नर जो है बेबी रानी मौर्य है। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन हैं, और स्थापना जो हुआ था 9 नवंबर 2000 को हुआ था। और उत्तराखंड के 3 पड़ोसी राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश भी हैं, तिब्बत मतलब चीन और नेपाल। और बात करें उत्तराखंड की लोकसभा में सीटों की, तो 5 सीटें हैं, और राज्यसभा में 3 सीटें हैं, और विधानसभा में 70 सीटें हैं। और उत्तराखंड की झीलें जो हैं, नैनीताल झील, डोडीताल झील, भीमताल झील, सातताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील और देवताल झील, और खुरपाताल झील, झील मिलताल झील, द्रोड़ सागर झील, गिरिताल झील, और श्यामाताल झील, रूप झील, सत्तलैया तत्सत्ता झील, और नक्षुकिया नक्षियाल झील, गौरी कुंड झील, नंदी कुंड झील, सुरपाताल झील, यह सभी उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं। और बात करें जिम कार्बेट हेली नेशनल पार्क की, तो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी, यह भी उत्तराखंड में स्थित है। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, यह सभी उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। अब बात करें भारत की सबसे ऊंची बांध, टेहरी बांध है, जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है, तो यह भी उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलती है, और यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। नंदा देवी पर्वत, यह भी उत्तराखंड में ही स्थित है। चिपको आंदोलन, जो पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया था, यह आंदोलन उत्तराखंड राज्य में ही हुआ था। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11, किस राज्य सरकार के मतलब केंद्र शासित ने प्रदेश ने स्कूली बच्चों के लिए छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर जो राज्य है उसने शुरू किया है। तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया है, और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू ने स्कूल जाने वाले बच्चों को कुपोषण की जाँच के लिए इस योजना की शुरुआत की है। छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना के उद्देश्य स्कूल जाने वाले प्रत्येक बच्चे का अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के स्कूल जाने वाले बच्चे को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाने के लिए विद्यालय स्तर पर उनकी नियमित जांच कराई जाएगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराजा गुलाब सिंह रखा जाएगा। तो जम्मू शहर जो है जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल जो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13, जेवियर प्रेस डी कुएलर का निधन हुआ है, वे किस संगठन के पूर्व महासचिव थे? आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यूएन के। तो यूएन के बारे में देख लें तो यूनाइटेड नेशंस इसका फुल फॉर्म होता है, और हिंदी में इसको संयुक्त राष्ट्र कहते हैं, और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। मुख्यालय जो है यहाँ न्यूयॉर्क यूएसए में है। कुल सदस्य 193 देश हैं, और अध्यक्ष जो हैं एंटोनियो गुटेरस हैं। तो चलिए, आपका आज का वीडियो समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं, लाइक करें, शेयर करें, अपना चैनल DS Academy। धन्यवाद।